नमस्कार किसान भाइयों, फार्मर सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे टमाटर की फसल में फूल गिरने तथा फूल न बनने के कारण और उसके उपाय। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसी ही अपडेट आपको मिलती रहे। टमाटर सब्जियों में एक प्रमुख फसल है। इसकी खेती लगभग सभी सीजन में अलग अलग किस्मों के आधार पर किया जाता है। टमाटर में एक प्रमुख समस्या होती है फूल झड़ने की या फिर फूल ना बनने की। इसके कुछ प्रमुख कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है मौसम। टमाटर की फसल के लिए एक उचित तापमान की आवश्यकता होती है फल फूल बनने के लिए। यदि तापमान में अचानक से कमी या अचानक से वृद्धि होती है तो टमाटर में फल फूल गिरने की समस्या आ जाती है। इसके साथ साथ वातावरण में अचानक आर्द्रता के बढ़ने या कम होने, यदि आर्द्रता 60% से कम होती है या फिर 85% से ज़्यादा होती है तो ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा फल फूल बनने के समय यदि बारिश हो रही है तो भी ऐसी समस्या आ सकती है। दूसरा कारण होता है पानी की कमी या उसकी अधिकता। टमाटर की फसल में फल फूल बनने की अवस्था में दूसरा है पानी की कमी या अधिकता के कारण। यदि फसल में पानी की कमी हो रही है, पानी पर्याप्त रूप में फसल नहीं पा रहे हैं तो भी ऐसी समस्या देखने को मिलती है, या फिर पानी को आवश्यकता से अधिक दिया जा रहा है। जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अगर आप लगातार पानी दे रहे हैं तो फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ होने लगती है और वहाँ पे फ्लावर ड्रॉप होने लगते हैं। तो फसलों को पानी एक संतुलित रूप में ही दें, जितना मिट्टी की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से पानी को देना होता है। तीसरा है पोषक तत्वों की कमी या उसका असंतुलित प्रयोग। फसलों के अच्छे वृद्धि विकास के लिए 17 से 18 तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर इनमें से किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है या फिर पोषक तत्वों के असंतुलित प्रयोग या आवश्यकता से अधिक प्रयोग करने से भी ऐसी समस्याएं होती हैं, तो पोषक तत्वों का संतुलित रूप में ही प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी के जांच के आधार पर ही पोषक तत्वों को मिट्टी में देना चाहिए। चौथा है रोग व कीट। यदि पौधा किसी तरह की बीमारी से प्रभावित होता है, जैसे ब्लाइट आता है, लीफ कर्ल वायरस, मोजैक वायरस या बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, या फिर किसी तरह के कीट जैसे सफ़ेद मक्खी, एफिड, थ्रिप्स, जैसिड आदि, तो भी फल फूल झड़ने की समस्या हो सकती है। ऐसे में फसलों को बीमारियों व कीटों से सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी होता है। पांचवा है हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। कई बार अधिक टेम्परेचर या नमी की कमी के कारण हार्मोन्स दशा बिगड़ जाती है तो ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, फल फूल झड़ने लगते हैं। अब जानते हैं फूल झड़ने के उपाय। इसके लिए बायर कंपनी का प्रोडक्ट आता है प्लानोफिक्स नाम से, जिसमें अल्फा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड नामक हार्मोन्स पाया जाता है। इसकी डोज 1 ml पर 4 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करने से जो हार्मोनल संबंधी समस्याएं होती हैं उससे समाधान हो जाता है और फल फूल गिरने की समस्या समाधान हो जाता है। दूसरा है 2,4-D का प्रयोग करके। वैसे 2,4-D का प्रयोग हर्बिसाइड के रूप में किया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा को कम करके ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए 1 से 2 ml 2,4-D को 10 से 12 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करते हैं तो फल फूल झड़ने की समस्या से समाधान होता है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।